श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का पहला अध्याय। कथा प्रारंभ होती है। शौनक आदि ऋषियों द्वारा श्रीमद् भागवत के संबंध में सूची से पूछना तथा सूची द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति का वर्णन। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूची ने श्रीमद् भागवत की कथा को अपने गुरु के मुख से उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाते थे। इसके अनंतर जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा तब भी सूत जी ने उसे सुना था। इसके कुछ दिनों बाद श्री सूत जी उस नैमिषारण्य तीर्थ में गए जहां शौनक आदि 88 सहस्त्र ऋषि मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर भगवान श्याम सुंदर जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उस जगह सुदर्शन चक्र की नेमी शीर्ण हुई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया था तथा वह इतना पवित्र था कि वहां कलयुग का प्रवेश संभव नहीं था। जिस समय श्री सूत जी वहां पहुंचे तो समस्त ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के समीप रहकर उनसे संपूर्ण पुराणों को पढ़ा तथा सुना है, अतः आप कृपा कर हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों का कल्याण तथा पुण्य की प्राप्ति हो। ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो आदि निरंकार महाप्रभु 14 भुवनों की रचना कर सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय के समय सब जीवों की चैतन्य आत्मा जिनके ज्योति में पुनः लीन हो जाती है, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर ब्रह्मा तथा शंकर आदि देवताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनकी माया के बल पर सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है, उन्हीं आदि ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी का ध्यान धरते हुए महामना श्री वेद व्यास जी का यह कहना है कि यह संपूर्ण सांसारिक व्यवहार मिथ्या होने पर भी परमेश्वर की बलवती माया के भुलावे में सब लोग पड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि समूल नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन है जिनके पालन से तीनों प्रकार के ताप तथा पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी प्राणी, देवता, नवग्रह, शत्रु एवं मन के संकल्प विकल्पों के भय से छूटकर कल्याण को प्राप्त करता है। अन्य युगों में वर्षों तक यज्ञ, तप तथा पूजन करने के पश्चात भी भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती थी, परंतु कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने तथा सुनने से ही मनुष्य के हृदय में श्री नारायण जी के श्री चरणों का वास हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार एवं कल्प वृक्ष के समान समझना चाहिए। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। इस प्रकार संसार का कल्याण करने के निमित्त यह अमृत फल प्रकट हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत फल के रस को कानों की राह निरंतर पान करो। जिस प्रकार संसार में मीठे फलों को तोता काट कर खा लेता है, उसी प्रकार सुखदेव जी ने इस अमृतवाणी कथा को, जो वैकुंठ का परम सुख प्रदान करने वाली है, अत्यंत मीठी समझकर खा लिया था। तदुपरांत उन्होंने इसे लोक कल्याण के हेतु संसार में प्रकट किया है। श्री सूत जी के मुख से यह इतिहास सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने धन्य धन्य शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत एक दिन प्रातः कृत्य स्नान पूजन आदि से निवृत्त हो श्री सूत जी को आदर पूर्वक अपने बीच में बैठाकर इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण वेद एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आप हम लोगों को अपना शिष्य समझकर संसार के संपूर्ण जीवों को भवसागर से पार करने वाला संपूर्ण पुराण, वेद एवं शास्त्रों का जो तत्व है उसका वर्णन कीजिए, जिससे हम लोग भी थोड़े परिश्रम द्वारा अधिक फल को प्राप्त करके मुक्ति के अधिकारी बन सकें। इसके साथ ही आप हमें यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि जिन परब्रह्म महाप्रभु का केवल नाम लेने मात्र से ही संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्हीं परमेश्वर ने मृत्यु लोक में आकर देवकी गर्भ से जो सगुण अवतार लिया उसका कारण क्या था। श्री बलराम जी के साथ रहकर
उन्होंने संसार में कौन कौन सी लीलाएं की तथा जिस समय वे वैकुंठ को पधारे उस समय वे धर्म को किसके हाथों में सौंप गए, इन सब बातों का भी वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्रों को कहने सुनने से प्राणी 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पाकर मुक्ति प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय, सुखदेव जी का तपस्या करने के निमित्त वन में जाना तथा नारद मुनि के उपदेश से आश्रम को लौट आना। व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया था। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में मन ही मन दंडवत कर भगवान श्याम सुंदर की चतुर्भुज मूर्ति को प्रणाम किया। इसके पश्चात वे शौनक आदि 88 सहस्त्र ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाता हूँ जिसमें परम प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की विविध लीलाओं का पवित्र वर्णन है। आप लोग ध्यान पूर्वक उस कथा को श्रवण करें। सूजी बोले, हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी शैशव में यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व ही इस संसार को स्वप्नवत मिथ्या मानकर तपस्या करने के निमित्त घर छोड़कर वन के लिए चल दिए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया था कि यहाँ रहने से सब लोग मिलकर मेरा विवाह कर देंगे, उस स्थिति में संसारी मोह माया से मैं छुटकारा नहीं पा सकूंगा, अतः मुझे अभी से वन में जाकर हरि भजन करना श्रेष्ठ है। जिस समय सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वे उन्हें घर लौटा लाने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े तथा सुखदेव जी को पुकार पुकार कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो, कुछ देर ठहर कर हमारी बात तो सुन लो। परंतु श्री सुखदेव जी संसार से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी को उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। वे निरंतर आगे बढ़ते गए तथा मन में यह विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी मेरे पिता इस संसारी मोह माया में किस प्रकार लिप्त हो रहे हैं। उस समय वन के वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से श्री व्यास जी को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुने, यह संपूर्ण संसार मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का पुत्र अथवा पिता नहीं है, यह शरीर नश्वर है जो बारंबार जन्म लेता है तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जीवात्मा अनश्वर है, वह कभी नहीं मरता, अतः तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। वृक्षों की यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष प्राप्त हुआ, तब वे धैर्य धारण कर अपने आश्रम को लौट आए। जिस समय सुखदेव जी वन को जा रहे थे उसी समय मार्ग में कुछ देव स्त्रियां एक तालाब के किनारे नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। जिस समय सुखदेव जी उनके पास होकर निकले उस समय उन्होंने उनसे कोई पर्दा नहीं किया तथा वे निश्चिंत भाव से ऐसे ही स्नान करती रहीं। परंतु कुछ देर बाद उनके पीछे ही पीछे जब वृद्ध व्यास जी उस स्थान पर पहुंचे तो उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया। यह देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो, जिस समय मेरा युवा पुत्र सुखदेव जी इन स्त्रियों के सामने से निकला उस समय तो ये ऐसे ही स्नान करती रहीं, परंतु जब मैं जिसे आंखों से भी कम दिखाई देता है इनके सामने आया तो ये मुझे देखकर वस्त्र पहन रही हैं, इसका क्या कारण है। जिस समय व्यास जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे उस समय उन देवांगनाओं ने अपनी शक्ति द्वारा उनके मन की बात जान ली। उन्होंने व्यास जी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे मुने, हम आपके मन का संशय दूर किए देती हैं। आपके पुत्र सुखदेव जी परम हंस हैं, उन्हें स्त्री पुरुष में किसी प्रकार के भेद का ज्ञान नहीं है, यही कारण है कि उन्हें देखकर हमने कोई लज्जा नहीं की थी, परंतु आप इस भेद से भली भांति परिचित हैं, इसलिए हमने आपको देखकर लज्जित हो अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया है। उन स्त्रियों के मुख से यह शब्द सुनकर व्यास जी अपने आश्रम लौट आए। सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की ऐसी प्रशंसा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि पौराणिक सूत जी श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं।
हृदय में यह विचार आते ही उन ऋषियों का मुख उदास हो गया। उनकी उस अवस्था को सूत जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया। तब वे उन सबको संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने संसार सागर से पार करने वाली इस भागवत कथा को अपने श्री मुख से संसार में प्रकट किया है। अतएव वे ऋषियों में महर्षि तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आप लोग उनकी महत्ता के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करें। सूत जी के मुख से यह शब्द निकलते ही सब ऋषि मुनियों का संशय नष्ट हो गया। तब बोध प्राप्त होने पर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय सूत जी ने फिर कहना आरंभ किया, हे ऋषियों, यदि यहाँ कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्म लेने के बाद ही परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चले गए थे, तो उन्होंने यह किस प्रकार जाना कि केवल भगवत भजन ही संसार में सार वस्तु है, तो इस शंका का समाधान यह है कि ऋषि मुनियों से ज्ञान चर्चा के समय ही सुखदेव जी ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसीलिए वे तपस्या करने के हेतु वन को चले गए थे। वन में आगे जाने पर श्री सुखदेव जी को देवर्षि नारद के दर्शन प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने नारद जी से यह प्रार्थना की कि हे महामुनि, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा चित्त श्री नारायण जी के चरण कमलों में भली भांति लग सके। नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे सुखदेव, यह उपाय तुम्हारे पिता श्री व्यास जी भली भांति जानते हैं, अतः तुम उन्हीं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी आश्रम को वापस लौट आए तथा अपने पिता श्री व्यास जी के चरण कमलों में मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे, हे पिता, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे मुझे भी श्री नारायण जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो। सुखदेव जी की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, यह श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्राप्त न हो सकेगा, अतः तुम श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त करो। यह कहकर व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव जी भागवत पढ़ते थे उस समय मैं भी वहीं उपस्थित रहता था। श्री सुखदेव जी ऐसे विरक्त थे कि वे कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते थे, परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने के लोभ में वे बहुत दिनों तक श्री व्यास जी की सेवा में बने रहे। श्री सुखदेव जी परम हंस थे, उनके पास कुछ द्रव्य तो था नहीं जिसे देने के लिए किसी को पास बुलाते, अतः उन्होंने अपने मन में यह विचार करके श्रीमद् भागवत का पढ़ना आरंभ किया कि मैं इस कथा रूपी परम धन को ऋषि मुनियों में बांटा करूंगा। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाने पर मनुष्य विरक्त तथा ज्ञानी होकर मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ, जप, तप, पूजा, व्रत तथा अन्य शुभ कर्मों को करते समय उनसे किसी प्रकार के फल की कामना न रखे। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले जीव आवागमन से छूटकर भव सागर के पार हो जाते हैं। संसार में भक्ति के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान आदि धर्मों द्वारा मनुष्य को बड़े परिश्रम से श्री भगवत चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, परंतु भक्ति से वह सहज सुलभ हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा का श्रवण करे तथा अपने मन को माया मोह के मिथ्या व्यवहारों से विरक्त कर श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति करे। जो प्राणी उन ज्योति स्वरूप परम प्रभु के चरणों में अपना मन लगाकर उनकी लीला को सुनता है उसका हृदय पवित्र तथा निर्मल बन जाता है। अतएव अपनी मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को श्री हरि कथा सुनने का अभ्यासी बनना चाहिए। श्री परमेश्वर की अत्यंत कृपा होने पर ही मनुष्य का मन कथा कीर्तन आदि में लगता है। भक्ति कीर्तन किए बिना तथा परमेश्वर की कथा सुने बिना मन शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी तथा सात्विकी तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार राजसी, तामसी तथा सात्विकी इन तीनों तरह की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसी काष्ठ को, राजसी को धुआं की तथा सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है।
जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए सात्विकी भक्ति तथा पूजा करने वाले ही मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने धर्म यज्ञ तप तथा व्रत आदि हैं वे सब परम पिता परमेश्वर के रूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार बरसाती नदी नालों का पानी बहकर समुद्र के गर्भ में समा जाता है। तीसरा अध्याय, श्री नारायण जी के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निरंकार स्वरूप हैं। सबसे पहले वे ही थे, मध्य में भी रहकर महाप्रलय के पश्चात भी वे ही स्थिर रहते हैं। वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हैं। अन्य संपूर्ण तेजों को उनकी ज्योति की छाया मात्र समझना चाहिए। महाप्रलय के उपरांत जब उन आदि निरंकार ज्योति स्वरूप श्री नारायण महाप्रभु की इच्छा फिर से संसार रचने की होती है, उस समय वे अपनी माया सहित पुरुष अवतार धारण कर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र कान, सहस्त्र भुजा तथा सहस्त्र चरण होते हैं। उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। सब अवतारों का हेतु उन्हीं को समझना चाहिए। उन पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन इस प्रकार है, आप लोग ध्यान देकर सुने। आदि प्रभु का पहला अवतार कौमार्ग सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन एवं संत कुमार के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तथा वे सदैव 5 वर्ष की अवस्था धारण किए रहे। दूसरा अवतार वाराह का हुआ, जिसमें वे एकार्णव के जल से डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर उसे पाताल से बाहर निकाल लाए। तीसरा यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी अवतार लेकर श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार है ग्रीव था, जिसमें संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा परंतु मुख घोड़े के समान था। उस अवतार में भी श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, उसमें उन्होंने संसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तप किया। छठे अवतार में श्री श्याम सुंदर ने कपिल मुनि का स्वरूप धारण कर अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञानोपदेश दिया। सातवें में अत्रि के घर दत्तात्रेय का अवतार लेकर राजा अलर्त तथा भक्त प्रह्लाद को वेदांत की शिक्षा दी। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में हुआ, उसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग दिखाया तथा उन अवतारी के पुत्र जैन देव ने संसार में जैन धर्म को फैलाया। नवा अवतार राजा वेणु का शरीर मंथन करने पर पृथु के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने गौरूपी पृथ्वी को दोहकर उसमें छिपी हुई अन्न आदि औषधियों को निकाला। दसवां मत्स्य अवतार लेकर परम प्रभु ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित नौका पर बैठाकर ज्ञानोपदेश किया तथा उसे अपनी माया का चमत्कार दिखलाया। ग्यारहवें कच्छप अवतार में श्री नारायण जी ने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। बारहवें धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अमृत का कलश हाथ में लिए हुए समुद्र से अवतीर्ण हुए तथा चिकित्सा शास्त्र का निर्माण किया। तेरहवां मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अपने सौंदर्य पर मोहित कर उनसे अमृत का कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। उस अवतार में श्री नारायण जी ने देवताओं को अमृत पिलाया। चौदवां अवतार नरसिंह का हुआ, उसमें हिरण्यकश्यपु दैत्य का संहार कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पंद्रहवें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में ली। मांगते समय मनुष्य छोटा हो जाता है, इसलिए परम प्रभु ने भी उस दान को मांगते समय अपना स्वरूप छोटा बनाया था। सोलहवें हंस अवतार में संत कुमार आदि को ज्ञानोपदेश कर उनका गर्व नष्ट किया। सत्रवां नारद अवतार धारण कर पंचरात्र वेद का निर्माण किया, जिसमें वैष्णव धर्म का संपूर्ण वर्णन है। अठारवां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ, जिसमें 21 बार क्षत्रिय राजाओं का संहार कर उनकी संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अभिमान नष्ट किया तथा रावण को वंश सहित सहारा।
21वां अवतार वेद व्यास रूप में लेकर सब वेदों के भाग करके 18 पुराण तथा महाभारत का निर्माण किया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण कर कंस कालेवन तथा जरासंत आदि अधर्मी राजाओं का सहार कर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। इस अवतार का कारण यह था कि जब एक समय दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, अतः आप हमें भी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भी उस पर आधिपत्य हो सके। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें यह सम्मति दी कि देवताओं का राज्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की यह आज्ञा मानकर समस्त दैत्यों ने देवलोक का राज्य प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस समय समस्त देवतागण भयभीत होकर श्री नारायण जी के समीप गए तथा बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, दैत्य लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो उन्हें और भी विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस स्थिति में हम उन्हें किसी भी प्रकार नहीं जीत सकेंगे। अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का यह भय नष्ट हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष भगवान बुद्ध अवतार धारण कर मैले कपड़े पहने हाथ में चवर लिए हुए उस स्थान पर गए जहां वे दैत्य यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध रूपधारी भगवान को देखते ही दैत्यों ने उनका बहुत सम्मान किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में यह कौन सी वस्तु है? बुद्ध रूपी भगवान ने कहा, यह चवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां उसके नीचे अनेक छोटे छोटे कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए प्रत्येक स्थान को झाड़ लेने के बाद बैठना चाहिए। इसी कारण हम अपने हाथ में यह चवर लिए फिरते हैं ताकि यदि कहीं बैठे तो बैठने से पहले उस स्थान को इससे झाड़ लें। यह सुनकर दैत्यों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया, आपके कपड़े मैले क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, कपड़े धोने से भी उन बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि कपड़ों में रहते हैं, इसलिए हमने कपड़े न धोने का व्रत ले रखा है। नारायण जी की ऐसी बातें सुनकर वे दैत्य मोह को प्राप्त हो गए तथा उनका मन यज्ञ से फिर गया। उन्होंने परस्पर विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हिंसा होगी, उस स्थिति में यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें अधिक पाप भी लगेगा, इसलिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करके दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके धर्म का बल नष्ट हो गया तथा देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। सूजी बोली, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में श्री नारायण का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों तथा अधर्मियों का नाश करेंगे। इन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से पूर्ण हुआ है। शेष अवतारों में लीलामय प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी तथा जड़ चेतन हैं उन सब में उन्हीं पर ब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। वे सभी श्री नारायण जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन आदि पुरुष के अवतारों की कोई गणना नहीं की जा सकती। वे अपनी माया से इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु स्वयं उसके वशीभूत नहीं होते। उनकी लीला नाम एवं चरित्रों को कोई नहीं जान सकता। जो मनुष्य सदैव उन्हीं के भजन में लीन रहता है तथा उनके सिवाय अन्य किसी का भरोसा नहीं रखता वही उन्हें कुछ कुछ पहचान सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने के निमित्त संसारी माया मोह को सर्वथा त्याग देता है उसी के शरीर में उन परम प्रभु का प्रकाश भासित होता है। संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष भगवान अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं परंतु इस तत्व को केवल तत्व ज्ञाता ही पहचान पाते हैं। भगवान वेदव्यास ने संसारिक प्राणियों को भव सागर से पार उतारने के लिए श्रीमद् भागवत में संपूर्ण वेदों का सार तथा परमेश्वर की लीलाओं का रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण महाराज द्वारका छोड़कर वैकुंठ लोक को पधारे उस समय धर्म का सूर्य डूब जाने के कारण संसार से संपूर्ण शुभ कर नष्ट हो गया था। उस समय श्री व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत का निर्माण कर संसार में पुनः धर्म रूपी सूर्य को प्रकट कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय श्री व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को पढ़ाई थी उस समय मैं भी वहां उपस्थित था।
गुरु की दया एवं कृपा से यह अमृत रूपी कथा मुझे याद हो गई। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। चौथा अध्याय, व्यास जी का जन्म वृतांत तथा उनके द्वारा पुराणों एवं महाभारत के निर्माण की कथा। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन सब में वृद्ध ऋग्वेदी ऋषि शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके द्वारा अवतारों का वर्णन सुनकर हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह संपूर्ण कथा सुनाएं जिसे श्री व्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है तथा जिसमें भगवान श्याम सुंदर की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था यह भी हमें बताने की कृपा करें। इस काल रूपी संसार में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ था। हमें एक बड़ा आश्चर्य यह भी है कि जो सुखदेव जी परम विरक्त होने के कारण किसी भी स्थान पर एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते हैं, वे राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक कैसे बैठे रहे एवं उन कौपीनधारी तथा विभूति लगाए हुए अवधूत स्वरूप श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना होगा। ऋषियों की यह बात सुनकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में यह विचार कर अवतार लिया था कि सत्ययुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तथा द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी। जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष ही रह जाएगी तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे इसके भीतर ही मर जाएंगी। उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय वेदाध्ययन, यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण न तो वे वेदाध्ययन ही कर पाएंगे और न तपस्या ही कर सकेंगे। उनके पास इतना धन भी नहीं होगा जो वे यज्ञ दान आदि करके ही संसार सागर पार कर सकें। वे कलयुग जीव संसारी सुखों में डूबे रहकर स्त्री एवं धन आदि के मोह में मोहित हो मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका उद्धार होना संभव हो सकेगा। भगवान वेदव्यास ने उन्हें भक्ति का संदेश देने के निमित्त ही अवतार लिया। एक दिन श्री वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तीर पर पहुंचकर स्नान तथा ईश्वर आराधना के पश्चात अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूढ़ हैं जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते और संसारी तृष्णा को किसी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। यह विचार कर मेरे गुरु ने वेद के ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 विभाग कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को न भी पढ़ सके तो वे किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ लेंगे। जब व्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन कर दिया तब उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र तथा स्त्री को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इस विचार के आने पर उन्होंने 4 वेदों का सार निकालकर महाभारत तथा 17 पुराणों की रचना की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन्हें पढ़कर तथा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य भव सागर से पार उतर सके। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पैल ऋषि, सामवेद का पाठ करने वाले जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद का पाठ करने वाले वैशंपायन तथा अथर्ववेद का पाठ करने वाले अंगिरा ऋषि हुए। मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। इन ऋषिश्वरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। उसे सुनने तथा पढ़ने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। वेदों का विभाजन करने तथा महाभारत एवं 17 पुराणों का निर्माण करने के बाद भी श्री व्यास जी को अपने हृदय में किसी प्रकार का अभाव खटकने लगा। वे विचार करने लगे कि इतनी ग्रंथों का निर्माण करने के पश्चात भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए श्री व्यास जी जिस समय चिंतित हो रहे थे
उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए हरे गुण गाते हुए वहां आ पहुंचे। श्री व्यास जी ने उन्हें देखते ही अत्यंत आदर सत्कार पूर्वक सुंदर आसन पर बिठाकर वाद्य अर्ध्य आदि से उनका पूजन किया। पांचवा अध्याय, नारद जी द्वारा श्री व्यास जी को महापुराण के निर्माण की सलाह तथा अपने पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन। व्यास जी को चिंतित देखकर नारद मुनि ने कहा, हे व्यास जी, जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य को न कर सकने के कारण व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चिंतित दिखलाई दे रहे हैं। आपने वेदों का विभाजन कर महाभारत तथा 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आपको बोध क्यों नहीं हुआ? आप मुझे अपनी उदासी का कारण बतलाने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवर्षि, आप अंतर्यामी एवं तत्वज्ञानी हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप हरि भक्त तथा परम प्रवीण हैं, अतः कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण करने के बाद भी न जाने क्या न्यूनता रह गई है जो अभी तक मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो सकी है। नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत तथा 17 पुराणों में परम प्रभु परमेश्वर के गुणानुवादों का संक्षिप्त वर्णन कर यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता तथा संसारी मनुष्यों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण जी के चरित्र, लीला, गुण एवं यश से ओतप्रोत किसी परम श्रेष्ठ पुराण का निर्माण नहीं किया है। भगवत भक्ति के बिना समस्त शास्त्र अपूर्ण है, इसी से आपके चित्त को अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। परमेश्वर की लीला के अतिरिक्त अन्य पुराणों के पढ़ने सुनने में परिश्रम अधिक होता है और उसका फल अस्थिर तथा थोड़ा मिलता है तथा प्राणी को बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसके विपरीत श्री नारायण जी के कथा कीर्तन में चित्त लग जाने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अनश्वर तथा नित्य होता है। जो संसारी लोग अनेक प्रकार के भय एवं कष्टों से पीड़ित हैं, वे वज्र रूपी हरि कथा के श्रवण एवं पठन पाठन से भय से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण अथवा कीर्तन में श्री नारायण प्रभु की लीला का विस्तृत वर्णन हो उसी को सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल पवन चलने से नौका अपने लक्ष्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाती है, उसी प्रकार हरि भजन एवं कीर्तन द्वारा संसारिक प्राणी संसार में रहकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात भव सागर से पार उतर जाते हैं। श्री हरि चरणों में ध्यान लगाने से जैसा सुख प्राप्त होता है वैसे सुख की प्राप्ति इंद्र तथा कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं होती। अतएव मनुष्य को उचित है कि वे अपने मन में संतोष धारण कर प्रयोजन रहित हो श्री परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करते रहें। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही प्राणी को संसार में दुख उठाना पड़ता है, वही दुख हरि भजन करते समय शूली के कांटे के समान हृदय में भी चुभता रहता है। जो लोग अपने हृदय में श्री हरि चरणों का ध्यान रखते हैं उन्हें वह कांटा फिर पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, वे संसारी माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत तथा तीर्थ तो करते हैं परंतु अपने हृदय में हरि भक्ति को धारण नहीं करते वे आवागमन से कभी नहीं छूट पाते। वे अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त फल से कुछ दिनों तक सुख भोगने के उपरांत फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने वेद तथा पुराणों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनका अर्थ संसारी मूर्ख प्राणी अपनी दृष्टि में और समझने लगेंगे। जैसे आपने पितरों का श्राद्ध मांस से करने के लिए लिखा है, उसके आधार पर मांसाहारी लोग आपके वचनों को प्रमाण मानकर मांस भक्षण करने भी आरंभ कर देंगे। वे यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका अभिप्राय मांस से केवल यज्ञ तथा श्राद्ध करने का ही है। साधु तथा तपस्वी जन जो हंस के समान परमेश्वर के भक्त रहकर हरि भजन, हरि कीर्तन तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य बातों को नहीं चाहते, उन्हें आपकी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हंस मानसरोवर के किनारे रहकर मोती के दाने चुगते हैं तथा कौवा अशुद्ध स्थानों पर बैठकर विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तुएं खाता है और अपनी बोली के अभिमान में किसी दूसरे पक्षी को अपने समान नहीं समझता, परंतु हंस उसकी बोली को प्रिय अनुभव नहीं करते,
उसी प्रकार जो हंस के समान साधु और वैष्णव जन केवल परमेश्वर के गुणानुवाद एवं चरित्रों को सुनना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्याम सुंदर की स्तुति एवं लीलाओं से रहित आपके पुराण कदापि प्रिय नहीं होंगे। काक रूपी मनुष्य ही उन बातों को सुनना अधिक पसंद करते हैं जिनमें संसारी के लिए क्रीड़ा का वर्णन होता है। हे व्यास जी, यही कारण है जो आपके हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आप किसी ऐसे पुराण का निर्माण करें जिसमें परमेश्वर की संपूर्ण लीलाओं एवं गुणानुवादों का वर्णन हो तथा जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होकर मृत्यु के पश्चात मुक्त पदवी का लाभ हो। ऐसा करने पर ही आपके हृदय को संतोष एवं आनंद की प्राप्ति होगी। इतना कहने के उपरांत नारद जी फिर बोले, हे व्यास जी, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास न हो तो मैं आपसे अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा किया करती थी। वह ब्राह्मण साधु एवं संतों की सेवा किया करता था। एक समय बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के घर अनेक साधु महात्मा आकर ठहरे। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। मैं भी बालक होने के कारण अपनी माता के साथ आठों प्रहर उन साधुओं के समीप रहता था। जिस समय वे साधु लोग परस्पर बैठकर परमेश्वर की कथा एवं गुणानुवादों का वर्णन करते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा बैठा सुनता रहता था। मुझे उनकी बातें बहुत प्यारी लगती थी। साधु लोग भी भोजन करने के पश्चात जो जूठन बस्ती थी उसे अपने हाथ से मुझे दे दिया करते थे। मैं भी उसे बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास से बीतने के पश्चात जब वे लोग जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की इच्छा से रोने लगा। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे यह कहा कि हम तुझे एक मंत्र बता देते हैं, तू उसी को जपा कर। उस मंत्र को जपने से तुझे आत्म तत्व का बोध होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझसे द्वादश अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपने स्थान को चले गए। मैं उन महात्माओं के आज्ञा अनुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी, प्रद्युमन जी तथा श्री अनिरुद्ध के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस मंत्र के जपने का प्रताप यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब मैंने वन में जाकर हरि भजन करने का विचार किया, परंतु मेरी माता मुझ पर अत्यंत स्नेह रखती थी तथा क्षण भर के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। इस कारण मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं ना जा सका। उसी समय अचानक परमेश्वर की यह कृपा हुई कि एक दिन संध्या समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध दुहने को जा रही थी, उसी समय एक सांप ने उसे काट लिया। तब उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय अन्य बालकों ने मेरी माता की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाया, उस समय मैंने अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर यह विचार किया कि देखो, परमेश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है, जो उसने इस प्रकार मुझे संसारी माया जाल से अचानक ही छुड़वा दिया है। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। माता की मृत्यु के पश्चात मैं उत्तर दिशा की ओर वन को चल दिया तथा अनेक नदी नाले एवं पर्वतों को लांघता हुआ एक घने वन में जा पहुंचा। वहां बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का भय नहीं हुआ। मेरा ध्यान श्री हरि के चरणों में लगा हुआ था, अतः मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास भी नहीं लगी। जब मैं एक निर्जन स्थान में पहुंचा तो मुझे वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी के नीचे बैठकर श्री परम प्रभु का ध्यान करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपना चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए, हाथों में शंख चक्र गदा पद्मली, मस्तक पर किरीट मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, ताप हारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कान सहित मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा यही इच्छा होने लगी कि मैं इस परम मनोहर रूप को निरंतर देखता रहूं। परंतु कुछ देर पश्चात जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया तो मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हुई और मैं अत्यंत व्याकुल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था को देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे नारद, तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लीन रहे। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है, अब तू दूसरे जन्म में फिर दर्शन पाएगा।
तू मेरे निकट के भक्तों में रहेगा तथा मेरी कृपा से तुझे अपने समस्त पूर्व जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा। छठा अध्याय। नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म का वृतांत वर्णन। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के पश्चात किसी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं श्री भगवान नाम का कीर्तन करने लगा। जिस समय मैं श्री हरि कीर्तन में आत्मविभोर हो जाता था, उस समय अपने मन में इस प्रकार सोचा करता था कि श्री नारायण जी ने मुझे दूसरे जन्म में अपना दर्शन देने के लिए कहा है। वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा यह शरीर छूटेगा और मैं प्रभु के मनोहर दर्शन प्राप्त करूँगा। इसी प्रकार इच्छा करते करते मेरा शरीर अंत हो गया। उस पंच भौतिक शरीर से पृथक होने के पश्चात मैं श्री हरि का पार्षद हुआ। कल्पांत में जब श्री नारायण जी प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे तथा उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से श्री ब्रह्मा जी उनके भीतर प्रवेश करने लगे, उस समय मैं भी उनके श्वास के साथ ही श्री नारायण जी के हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा त्याग कर जब पुनः सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा के कारण मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया तथा मुझे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृतांत याद बना रहा। मैं वैकुंठनाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण संसारी माया मोह तथा गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ा, दिन रात केवल श्री हरि का भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह प्रभाव है कि जिस समय मैं श्री श्याम सुंदर का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे मेरे परम प्रभु मुझे इस प्रकार दर्शन देते हैं जैसे किसी का निमंत्रित किया हुआ अतिथि अचानक आ जाता हो। इस प्रकार मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं अपने मनमोहन की त्रिभंगी छवि के दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। उस भजन के प्रताप से तीनों लोकों में सर्वत्र मेरी गति है। मैं जहाँ भी चाहता हूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरण कमलों को छोड़कर किसी दूसरी ओर ना जाए। सातवां अध्याय। श्री नारद जी द्वारा व्यास जी से चारों श्लोकों का वर्णन। श्री व्यास जी द्वारा बद्री का आश्रम में जाकर तप करना एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करना। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से चार श्लोकों को सुना था। उन्हीं चार श्लोकों को उन्होंने मुझे सुनाया। अब मैं उन श्लोकों को आपको बताता हूँ, आप उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री पर ब्रह्म परमेश्वर की महिमा का ज्ञान मनुष्य तन पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी इस शरीर को पाकर श्री नारायण जी का स्मरण तथा ध्यान नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत दुख प्राप्त करता है। यह कहकर नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को उन चार श्लोकों का अर्थ भली भांति समझाया। तदुपरांत कहा, हे व्यास जी, आपको चाहिए कि सर्वप्रथम आप परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान धरें जिससे आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए तथा आपके हृदय में भगवान वैकुंठनाथ का चमत्कार निवास करे। इसके पश्चात आप श्री नारायण जी के गुणानुवाद एवं चरित्रों का वर्णन करें। इतना कहकर श्री नारद जी वेद व्यास जी से विदा लेकर चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी परम धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के निमित्त मेरे गुरु श्री वेद व्यास जी को इस प्रकार उपदेश दिया था। श्री नारद जी की शिक्षा सुनकर श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के पश्चात बद्रिका आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर वे श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता होने लगी कि किस प्रकार से उन पर ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन कर सकूंगा। जिस समय व्यास जी इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब श्री व्यास जी ने श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर अब उन चार श्लोकों को जिन्हें श्री नारद जी से सुना था विस्तार पूर्वक लिखना प्रारंभ कर दिया।
तदंतर ग्रंथ समाप्त होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखकर उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने तथा सुनने से संसारी माया छूट जाती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत से शूरवीर तथा हाथी घोड़े मारे गए थे। भीमसेन ने अपनी गदा द्वारा धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के उपरांत दुर्योधन की जांग तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया था। महाभारत होने से पहले जिस समय राजा दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर सहित सब पांडवों तथा उनकी स्त्री द्रौपदी को छल द्वारा जुए में जीत कर दुशासन द्वारा द्रौपदी को बाल खींचते हुए भरी सभा में बुलवाया था तथा उसे निर्वस्त्र करने एवं अपनी जांग पर बैठाने की आज्ञा दी थी, उस समय भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि भगवान श्याम सुंदर की कृपा से मैं एक दिन इस नीच दुर्योधन की जांग तोड़ डालूंगा। अतः महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की कृपा से भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। जिस समय पैर टूट जाने के कारण दुर्योधन घायल होकर रणभूमि में अकेला पड़ा हुआ था, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उसके पास आकर यह कहा, हे दुर्योधन, हम तुम बचपन में साथ साथ खेले हैं, आज तुम्हें शत्रुओं ने जो यह दिन दिखलाया है इसे देखकर मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंची है। अब तुम मुझे जो आज्ञा दो वही कार्य मैं शत्रुओं के प्रति करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, हे भाई, मुझे अपनी जांग टूटने का उतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के जीतने तथा राज्य प्राप्त करने का है। फिर तुम्हारे रहते हुए भी मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, यह अत्यंत ही शोचनीय है। दुर्योधन की यह सब बात सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो मैं आज रात को सोते हुए पांचों पांडवों के मस्तक काटकर तुम्हारे पास लाए देता हूँ। यद्यपि सोते हुए शत्रु को मारना पाप है, फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा कार्य करने के लिए प्रस्तुत हूँ। दुर्योधन ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। यह सुनकर अश्वत्थामा पांचों पांडवों के मस्तक काट लाने के लिए चल पड़ा। जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के मस्तक काटने का विचार किया था, उसी समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मनोअभिलाषा जान ली थी। अतः उन्होंने संध्या के समय पांडवों को यह सलाह दी कि तुम लोग आज रात को सरस्वती नदी के किनारे किसी दूसरे डेरे में सो जाओ। पांडवों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वे दूसरे डेरे में जाकर सो गए। इधर अश्वत्थामा ने सबसे पहले कृपाचार्य के पास पहुंचकर इस कार्य के बारे में उनकी सम्मति ली। कृपाचार्य ने उसे इस कार्य को अत्यंत जघन्य बताते हुए ऐसा अधर्म न करने की सलाह दी, परंतु उसने शिवजी के द्वारा प्राप्त वरदान के घमंड में आकर उनका कहना नहीं माना तथा एक प्रहर रात शेष रहने पर कृत्या को साथ ले पांडवों के शिविर में जा पहुँचा। वहां रुद्र स्त्रोत का पाठ करके सेना में चारों ओर आग लगा दी तथा पांडवों के डेरे में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों का मस्तक काट लिया। प्रातः काल होने पर वह उन कटे हुए मस्तकों को लेकर राजा दुर्योधन के पास जा पहुंचा तथा उन्हें देते हुए बोला, हे राजन, मैं पांचों पांडवों के मस्तक काट लाया हूँ। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदंतर वह उन कटे हुए मस्तकों में से एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को यह विदित हुआ कि वह मस्तक भीमसेन का नहीं है। अतः उसने अश्वत्थामा से कहा, हे अश्वत्थामा, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि तू पांडवों के धोखे में पांडवों के ही समान आकृति वाले द्रौपदी के पांचों पुत्रों के मस्तक काट लाया है। तूने व्यर्थ ही इन बालकों का वध करके मेरे वंश को नष्ट कर दिया है। यह बात कहकर दुर्योधन पहले हर्ष होने के उपरांत शीघ्र ही विषाद को प्राप्त हो गया। दुर्योधन की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े थे कि जिस समय वह हर्ष के उपरांत विषाद को प्राप्त होगा तभी उसकी मृत्यु हो सकेगी। सो उस समय यही स्थिति आ जाने से वहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सूजी कहते हैं, हे ऋषियों, दुर्योधन की मृत्यु देखकर अश्वत्थामा अर्जुन तथा श्री कृष्णचंद्र के भय से अपने प्राण लेकर वहां से इस प्रकार भाग खड़ा हुआ जिस प्रकार की भगवान शिव शंकर के भय से भयभीत होकर सूर्य देवता भागे थे। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखी है।
कि एक बार शिवजी ने सुमाली नामक दैत्य की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे एक अत्यंत तेजोमय रथ प्रदान किया था। वह रथ ऐसा वेगवान तथा प्रकाशपूर्ण था कि सूर्य नारायण जिस स्थान पर रात करते थे उसी स्थान पर जाकर सुमाली दैत्य अपने उस रथ के प्रताप से पुनः प्रकाश फैला दिया करता था। सूर्य नारायण ने जब हाल देखा तो अत्यंत क्रोध करके उस दैत्य को मार गिराया। सुमाली भगवान शिव शंकर की शरण में पहुंचकर विलाप करने लगा। शिवजी ने उसे साथ लेकर सूर्य नारायण का पीछा किया। शिवजी को आते देखकर जब सूर्य देवता भयभीत हो भागने लगे उस समय श्री शिवजी ने अपना त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। तभी से उस स्थान पर लोलार्क तीर्थ प्रकट हुआ। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना तब उसने अत्यंत विलाप करते हुए यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन आदि ने जब इस समाचार को सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे आर्य, मैंने यह शपथ आप ही के भरोसे पर खाई है, अतः आप जो उचित जाने वह कार्य करें। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धैर्य धारण करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काटकर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ, तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस प्रकार द्रौपदी को धैर्य प्रदान कर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया तथा श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, मेरे रथ को शीघ्रतापूर्वक अश्वत्थामा के निकट पहुँचाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि वह बात की बात में अश्वत्थामा के समीप जा पहुँचा। उस समय अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन को लक्ष्य कर छोड़ दिया। इस समय वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रज्वलित करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। उस समय अर्जुन ने श्री वासुदेव जी से कहा, हे श्याम सुंदर, यह कैसी प्रबल अग्नि है जो मेरी ओर झपटती हुई चली आ रही है। श्री कृष्णचंद ने उत्तर दिया, हे पार्थ, वह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास तक नहीं आ पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, जबकि तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर फिर उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो, इसलिए संशय रहित होकर तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो। श्री श्याम सुंदर की बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय दोनों अस्त्र एक दूसरे के समीप जाकर आपस में गूंथ गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था, इस कारण अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर बाद जब तक यह अस्त्र युद्ध होता रहा उस समय श्री श्याम सुंदर ने अर्जुन को पुकार कर फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे पार्थ, तुम शीघ्रतापूर्वक मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, अन्यथा इनकी अग्नि से सारा संसार भस्म हो जाएगा। आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र की यह आज्ञा पाते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र पढ़कर अपने पास बुला लिया। तत्पश्चात अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ा। उस समय उनके हृदय में यह विचार आने लगा कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण तथा हमारे गुरु का बेटा है, अतः इसे मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार मन में दया तथा धर्म के उत्पन्न होने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा। यह देखकर श्री कृष्ण ने धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मच्युत तथा आतताई है। इसके अतिरिक्त तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसे शीघ्रतापूर्वक मार डालो। सूची बोले, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपका कथन सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, अतः मैं इसका वध न करके इसे द्रौपदी के पास लिए चलता हूँ, वहां पर वह जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। अर्जुन की इस बात को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पैर बांधकर उसे द्रौपदी के समीप ले पहुंचे। हरिभक्ता द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह व्याग्र होकर विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण की बहुत प्रकार से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी,
इस ब्राह्मण को मारने से मरे हुए बालक तो जीवित होंगे नहीं, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का दंड ईश्वर से प्राप्त करेगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही हूँ, उसी प्रकार इसके मरने पर इसकी माता कृपी भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख प्राप्त करेंगी। एक बात यह भी है कि आपने इसके पिता द्वारा धनुर्विद्या सीखी है, अतः एव यह भी आपका पूजनीय है। इस सब कारणों पर विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी की यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यह कहा कि द्रौपदी का कथन सत्य है। अश्वत्थामा को मारने से ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतः इसे छोड़ ही देना चाहिए। परंतु भीमसेन को इन लोगों की बात अच्छी नहीं लगी। वे अपनी गदा को पृथ्वी पर पटकते हुए अर्जुन से बोले, हे भाई, तुमने अश्वत्थामा का मस्तक काटने की प्रतिज्ञा की थी, अतः तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिए। तुम जो यह समझते हो कि इसे मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो इस संबंध में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के मस्तक काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्म अंश नहीं रहा है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए सोते हुए बालक अथवा स्त्री का वध करता है तथा मतवाले, पागल, हरिभक्त एवं परमहंस को दुख देता है, उसे आतताई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आतताई 6 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वह जो आग लगाए, दूसरा वह जो विष दे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो दी जाति में जन्म लेकर मदरा पान करे, तथा छठवां वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने कुटुंब का पालन करे। ऐसे आतताइयों को अवश्य मारना ही धर्म है। इस कारण तुम्हें भी अश्वत्थामा को अवश्य दंड देना चाहिए। भीमसेन की यह बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसका तथा भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर की आज्ञा एवं वेद शास्त्रों के वचन का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय करो जिससे सबको प्रसन्नता भी प्राप्त हो और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी न लगे। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित तो रहे परंतु वह मरने से भी अधिक हो जाए। अर्जुन ने उसका मस्तक कुंडवाकर तथा उसे अपनी तलवार की नोक से चीर कर उसके भीतर से वह मणि निकाल ली जो सदैव उसी में रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हो गया। तदंतर अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बुद्धि कौशल से संपूर्ण मर्यादाओं का पालन बनाए रखा। 8वां अध्याय, दुर्योधन का दाह संस्कार तथा श्री कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें नीति बोध कराने के लिए शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप ले जाना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को छोड़ देने के उपरांत राजा युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि के जो शव युद्ध भूमि में पड़े हुए थे उन्हें उनके संबंधियों ने उठाकर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर के साथ धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं गांधारी आदि स्नान करने के निमित्त गंगा तट पर पहुंची, उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी अपने अपने पति के गुणों का वर्णन कर विलाप करने लगी। उनका वह विलाप सुनकर धर्मावतार राजा युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हुए तथा स्वयं धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे, अपने स्वजन संबंधियों को युद्ध में मरवा देने के कारण मुझे जो पाप लगा है वह कभी भी नहीं छूटेगा। मेरे द्वारा महाभारत कराने के कारण हमारे वंश एवं परिवार की सहस्रों स्त्रियां विधवा होकर रोती तथा हाहाकार मचाती हैं। इनकी आंखों से आंसू गिरने के कारण पृथ्वी की जितनी रेणुका भीगेंगी उतने ही वर्षों तक मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, नित्य सहस्त्रों व्यक्तियों को दान कर देने वाले भाई कर्ण, सहस्त्रों शूरवीर तथा मेरे वंशज एवं संबंधी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अधर्म से प्राप्त राज्य को मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण
श्री वेद व्यास आदि ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल से ही राजागण इसी प्रकार राज्य करते चले आए हैं। पृथ्वी एवं राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता को तथा भाई भाई को मार डालता है। जिस प्रकार वे लोग सिंहासन आरूढ़ होकर अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण पापों से मुक्त हो गए, उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ करने पर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपका यह कथन केवल मन को समझाने के लिए ही है। यज्ञ करने में तो पशु आदि अनेक जीव और भी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहे तो वह कभी नहीं छूटता, उसी प्रकार हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का संताप कभी नष्ट नहीं होगा। यदि आप यह कहें कि पहले तो तुमने राज्य लेने के लिए इतना भारी युद्ध किया और अब राज्य करना क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो उस संबंध में मेरा यह कथन है कि उस समय भी मेरी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो यह महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। हे घनश्याम जी, अब मैं राज सिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर मेरे कहने से नहीं मानेंगे, अतः कोई अन्य उपाय करना चाहिए। जिस समय श्री श्याम सुंदर अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की, हे व्रजचंद्र, राजा युधिष्ठिर का मन राज कार्य में नहीं लग रहा तथा वे इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि उन्होंने अपने भाई, कुटुंबी, रिश्तेदार तथा ब्राह्मणों को मारा है। इसलिए आप कृपा कर उनको बोध करा दीजिए। उनकी बात सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, हे महानुभाव, राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं मानेंगे, अतएव हम लोगों को यह उचित है कि उन्हें साथ लेकर शरशय्या पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास चले। उन्हें मेरे दर्शनों की इच्छा भी है, अतः उनकी वह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वे ही युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करके धैर्य प्रदान भी कर सकेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी चिंता अभी नष्ट नहीं हुई है। उधर ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हें इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने से भी तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ, अतएव अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े ज्ञानी हैं, अतः वे जो कुछ आज्ञा दें तुम उसके अनुसार कार्य करना। श्री कृष्ण जी की इस बात को राजा युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों सहित भगवान श्याम सुंदर के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ युद्ध भूमि में श्री भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। समस्त ब्राह्मण मंडली दाई ओर हट गई तथा पांडव बाई ओर जा बैठे। भगवान श्री कृष्ण उनके मुख के सम्मुख चरणों के पास आसीन हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः यदि वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट लेने में विशेष कष्ट होगा। इस समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह से ज्ञानोपदेश सुनने के लिए आ पहुंचे। उस समय श्री भीष्म पितामह ने भगवान यशोदानंदन का मान से पूजन किया। 9वां अध्याय, भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश देना। सूची बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, जब सब लोग यथास्थान बैठ चुके तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर का मन राज कार्यों में नहीं लगता है। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई, संबंधी, स्वजनों तथा ब्राह्मणों को युद्ध में मारा है, अतः जब तक आप इस पाप से उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अब इस संबंध में आपकी जो सम्मति हो उसे प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, आप धर्म, दान धर्म तथा मोक्ष धर्म का वर्णन किया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में विस्तार पूर्वक कहा गया है। इसके बाद भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम्हें बाल्य अवस्था से ही दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बाल्यकाल में तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया,
उस समय तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। कौरवों ने तुम्हें जलाने का उपाय किया, तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा। इसके बाद जुए में छल द्वारा तुम्हारे संपूर्ण राज्य तथा धन को छीनकर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भी दिया। उस वनवास की अवधि में तुमने अपने चारों भाइयों तथा स्त्री द्रौपदी सहित अनेक कष्ट उठाए। यदि तुम यह कहते हो कि धर्मात्मा मनुष्य को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तो भला यह बताओ कि तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन और भीमसेन अत्यंत बलवान हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा रहती है, वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण जी सदैव तुम्हारे साथ रहे और तुम निरंतर दुखी उठाते रहे। इन सब बातों को देखते हुए यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता है। प्रत्येक प्राणी को अपने पिछले जन्म में संस्कारों के वशीभूत होकर दुख तथा सुख उठाना पड़ता है। परमेश्वर जो चाहते हैं वही होता है। अतः बुद्धिमान तथा ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुख को बराबर मान उसे ईश्वरीय इच्छा समझकर अपने मन में संतोष धारण करता है तथा सदैव प्रसन्न बना रहता है। जो लोग थोड़े ही दुख में भी होकर रो पड़ते हैं, वे भी अंत में नारायण की ऐसी ही इच्छा थी यह समझकर संतोष धारण करते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख समझना चाहिए। मनुष्य के द्वारा चिंता तथा परिश्रम करने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जिसे होनहार कहते हैं। इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में विविध प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, भेद को कोई नहीं जानता है। जो त्रिलोकीनाथ अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके रथ के सारथी बने, उनकी महिमा तथा प्रशंसा का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। हे राजन, जो महापुरुष इन त्रिलोकीनाथ की इच्छा पर निर्भर रहकर अपना जीवन तप दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करते हैं, उनमें सर्वप्रथम भगवान शिव शंकर जी हैं, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा जिन्हें हरि भजन तथा तप को छोड़कर अन्य कोई लौकिक कार्य नहीं है। दूसरे श्री नारद मुनि हैं, जो आठों प्रहर वीणा बजाते हरि गुणों का वर्णन करते हुए जहाँ चाहते हैं भ्रमण करते हैं। ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें कोई भी दूसरा काम नहीं है। तीसरा व्यक्ति मुनि कपिल देव जी हैं, जो गंगा सागर के संगम पर अकेले बैठे हुए पर ब्रह्म प्रभु का जप एवं ध्यान किया करते हैं। चौथे श्री सुखदेव जी हैं, जो संसारी मोह माया जाल से पृथक रहकर आठों प्रहर भगवान की यश कथा का वर्णन किया करते हैं। पांचवा राजा बलि है, जिन्होंने जब यह देखा कि भगवान श्याम सुंदर की इच्छा मुझे राज सिंहासन पर न रहने देने की है, तब उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य श्री भगवान के वामन अवतार को समर्पित कर दिया। अतः हे युधिष्ठिर, तुम जो अपने मन में यह समझ रहे हो कि मैंने अपने भाइयों कुटुंबियों तथा ब्राह्मणों को मारा है, तो तुम्हें वास्तव में ऐसा नहीं समझना चाहिए। तुम हो कौन और तुमने किया भी क्या है? यह जो कुछ भी हुआ है वह सब श्री नारायण जी की इच्छा से ही हुआ है। उन्होंने जब जो चाहा वही किया और भविष्य में भी जब जो चाहेंगे वही करेंगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम अपने मन से इस चिंता को निकाल दो तथा जो कुछ हुआ है उसे श्री नारायण जी की इच्छा समझो। प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को समझा रहे थे, उस समय द्रौपदी भी वहीं बैठी हुई उनके उपदेश को सुन रही थी। भीष्म पितामह ने धर्म उपदेश करते हुए यह बात भी कही कि जिस सभा में कोई व्यक्ति अधर्म करने की इच्छा करे, उस समय यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो उसे चाहिए कि वह उस व्यक्ति को अधर्म करने से रोक दे, और यदि उसमें रोकने की सामर्थ्य न हो तो वह स्वयं ही उस सभा से उठकर चला जाए। भीष्म पितामह के मुख से इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन की ओर देखकर पहले तो कुछ मुस्कुरा दी, परंतु फिर मन में लज्जित होकर यह विचार किया
कि जिस समय धर्मात्मा भीष्म पितामह के सम्मुख कौरव सभा में दुर्योधन ने दुशासन को मेरा चीर उतारने की तथा मुझे अपनी जांग पर बैठने की आज्ञा दी थी, उस समय उस दुर्दशा में भी मेरे प्राण इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल गए। इस विचार के आते ही द्रौपदी मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी। उस समय द्रौपदी के मलिन मुख को देखकर भीष्म पितामह ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसके हृदय के भाव को पहचान लिया। तब वे द्रौपदी को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्री, तुम अपने मन में किसी प्रकार का सोच मत करो, क्योंकि वह सब अपराध मेरे ऊपर है। जिस समय कौरव सभा में मैं बैठा हुआ था तथा दुर्योधन अधर्म करना चाह रहा था, उस समय यदि मैं मना कर देता तो वह उस अधर्म को कदापि नहीं कर सकता था, परंतु उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा था। हे पुत्री, तुम निश्चय जानो कि उस समय भगवान श्याम सुंदर की इच्छा उसी प्रकार की थी। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि अपना कार्य नहीं कर सकती। इसका एक कारण यह भी है कि कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी अथवा धर्मात्मा क्यों न हो, यदि वह अधर्मी के साथ रहता है तो उसके संग दोष के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो लोग अधर्मी का अन्न खाते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसी ही अधर्म में हो जाती है। उन दिनों हम लोग भी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहे थे तथा सदैव उसी के साथ रहते भी थे। इस कारण उन दिनों मुझे भी धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा था। अब मुझे अधर्मी दुर्योधन का अन्न जल छोड़े हुए तथा इस शरशैया पर सोते हुए 56 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अतः दुर्योधन के अन्न का विकार एवं संगति का प्रभाव मेरे ऊपर से हट गया है। हे पुत्री, इस संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, तुम उसे मन लगाकर सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परम ज्ञानी महात्मा निवास करते थे। राजा शिवी बड़े स्नेह एवं सच्चाई सहित उनकी सेवा शुश्रूषा किया करते थे। उस राजा के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का आभूषण बनवाने के लिए एक सुनार को कुछ सोना दिया। सुनार ने सोने को चुराकर पीतल का आभूषण बना दिया तथा उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह आभूषण अपनी पुत्री को पहना दिया। जब लड़की उस आभूषण को पहनकर अपनी ससुराल में गई, तब उसके पति ने उस पीतल के आभूषण को पहचान कर अपने मन में बहुत बुरा माना तथा उस लड़की को उसके पिता के घर वापस भेज दिया और फिर कभी अपने घर नहीं बुलाया। यह गति देखकर ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर सब कथा कही तथा न्याय की भिक्षा मांगी। तब राजा ने उस सुनार का अपराध सत्य जानकर उसका सब अन्न धन छीन कर कारागार में भेज दिया। एक दिन उस सुनार के अन्न से राजगृह में भोजन बनाया गया। उस भोजन का कुछ भाग उन परम हंस महात्मा ने खाया। तब उनके मन में उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने राजा की किसी वस्तु को चुराने का निश्चय कर डाला। उसी निश्चय में उन्होंने रानी के एक अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित हार को चुरा लिया। तदुपरांत उन्होंने उस हार को एक वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लिया तथा 3 दिन तक भोजन करने के लिए राजमहल में नहीं गए। 3 दिन तक निरंतर उपवास करने के कारण जब उनके पेट से सुनार के अन्न भक्षण का प्रभाव नष्ट हो गया, तब उन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ, मैंने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला है। इस पाप के कारण तो मुझे नरक लोक की घोर यातना भोगनी पड़ेगी। अब तो मुझे यही उचित है कि इस अधर्म का दंड इसी शरीर में यही भोग लेना चाहिए, जिससे परलोक का भय न रहे। ऐसा विचार करके वे परम हंस राजा के पास जा पहुंचे तथा अपनी चोरी का सब हाल बता देने के पश्चात इस प्रकार कहने लगे कि हे पृथ्वीनाथ, आप इस अधर्म के दंड स्वरूप मेरे दोनों हाथ काट डालिए, ताकि मैं अपने अधर्म का भोग इसी जन्म में भोग लूं। परमहंस के यह वचन सुनकर राजा ने पंडितों से पूछा कि परमहंस का इस प्रकार से चित बदल जाने का क्या कारण है, जो उन्होंने पहले तो हार को चुरा लिया और अब मेरे पास आकर इस प्रकार की बात कह रही है। राजा की बात सुनकर पंडित अपनी विद्या से विचार करके कहा, हे राजन, जिस दिन इन परमहंस महात्मा ने यह हार चुराया, उस दिन उन्होंने किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा, इसी कारण इनकी बुद्धि उस समय नष्ट हो गई थी। पंडितों की बात सुनकर राजा ने जब पूछताछ की तो उसे पता लगा कि उस दिन उन्होंने उस पापी सुनार का अन्न खाया था, इसी कारण उनकी बुद्धि पलट गई थी। अतः
हे द्रौपदी, जब केवल एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा तक का ज्ञान नष्ट हो गया तो मैं सदैव ही उस अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाता रहता था। अतः उस स्थिति में तेरे ऊपर अधर्म होते देखकर यदि मैंने दुर्योधन को वैसा करने से न रोका तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10वां अध्याय, श्री भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति एवं उनके ध्यान में मग्न होकर शरीर त्याग करना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, भीष्म पितामह ने पांडव तथा द्रौपदी के प्रति यह ज्ञानोपदेश देकर श्री नारायण का चतुर्भुजी स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया। तदुपरांत वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप जिस प्रकार इस समय मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, कृपा कर उसी प्रकार बैठे रहिए ताकि प्राणों का परित्याग करते समय मेरे हृदय में आपके श्री चरणों का ध्यान बना रहे। आप सबसे पहले थे तथा महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होगा। आपकी माया द्वारा तीनों लोकों की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार होता है। आप पृथ्वी का भार उतारने तथा अधर्मी दुष्टों का संहार करने के लिए ही अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। आपके अवतार लेने का केवल यही कारण है कि संसारी लोग आपकी मनोहर श्यामल मूर्ति का सदैव ध्यान धरते रहे तथा पापों से छूटकर भव सागर से पार होकर मुक्ति मार्ग को प्राप्त करें। आप अपने भक्तों पर इतनी दया रखते हैं कि भक्त अर्जुन की प्राण रक्षा करने के निमित्त आपने उसके रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया तथा स्वयं आगे बैठकर उसे अपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं अपने तीखे बाणों को अर्जुन के ऊपर चलाता था, उस समय यदि स्वयं काल भी सामने आता तो वह उन बाणों को देख भयभीत होकर भाग जाता। परंतु आपने उन कराल बाणों से तो अर्जुन की रक्षा की और स्वयं उनके प्रहार को अपने कोमल शरीर पर सहन किया। उस समय मेरे बाणों द्वारा आपके शरीर पर घाव हो जाने से जो खून के छींटे निकलते थे, वे आपकी सांवली सूरत पर मूंगे के समान शोभायमान लगते थे। आप अर्जुन को पराक्रमहीन न होने देने के लिए सदैव उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। आपके चंद्रमा रूपी मुख पर बिखरे हुए घुंघराले केश इस प्रकार सुशोभित होते थे जैसे नीले कमल के ऊपर रस के लोभी भौरे मंडरा रहे हो। आपके मुखारविंद पर धूल तथा पसीने की बूंदे इस प्रकार लगती थी जैसे पुष्पों के ऊपर ओस की बूंदे झलकती हैं। उस समय आप उस पसीने को अपने पिताम्बर से पोंछकर तथा घोड़ों की रस्सी पकड़कर अर्जुन के रथ को शीघ्रता पूर्वक मेरी ओर दौड़ाते थे। मैं चाहता हूँ कि आपका वही स्वरूप मेरी आंखों में सदैव बसा रहे तथा आपके कमल के समान कोमल चरण मेरे हृदय से कभी बाहर न होने पाए। हे प्रभु, आप अपने भक्तों का मान इस प्रकार रखते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी तथा यह भी कहा था कि शंख बजाने तथा रथ चलाने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करूंगा। इसके विपरीत मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं आपको युद्ध में व्याकुल करके अस्त्र धारण न करा दूं तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं है। सो आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने प्रण को छोड़ दिया क्योंकि आप यह चाहते थे भक्त का मान अवश्य रहना चाहिए। हे प्रभु, जिस समय मैंने रथ के पहियों को तोड़कर घोड़ों को मार गिराया तथा रथ की ध्वजा एवं अर्जुन के धनुष को काट दिया, उस समय आप क्रुद्ध होकर उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। उस समय आप ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे जैसे बिजली को साथ लिए हुए श्याम घटा बड़ी धूम के साथ घिरी चली आई हो। दौड़ते समय आपका पिताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा था जिसका कारण यह था कि आपको प्रतिज्ञा भंग करते देखकर पृथ्वी अपने मन में यह सोचने लगी थी, भगवान ने मेरा भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, अतः अब कहीं वे उस प्रण को भी इसी प्रण की भांति छोड़ ना बैठे। उस समय पृथ्वी के मन की पीड़ा पहचान ही आपने अपने पिताम्बर को गिराकर उसे यह आश्वासन दिया था कि तुझे किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिज्ञा तो मैंने अपने भक्त का मान रखने के लिए तोड़ी है।
हे श्याम सुंदर, जिस समय मैं पांडवों की संपूर्ण सेना का संहार कर देना चाहता था, उस समय आप मुझे घबरा देने के लिए सहस्रों रूप धरकर मेरे रथ के चारों ओर छा जाते थे। तब आश्चर्यचकित होकर यह नहीं पहचान पाता था कि इन अनेक रूपों में आपका कौन सा रूप सत्य है तथा कौन सा रूप माया का है। उस समय आप मुझे व्याकुल देखकर धैर्य बंधाने तथा मेरी प्रशंसा करने लगते थे। जिस समय मैं उन बातों का स्मरण करता हूँ, उस समय मुझे अत्यंत ला आती है तथा मैं अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता हूँ। हे दयालु, आप भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः आपने मेरी मृत्यु के समय बिना बुलाए ही यहाँ आकर जो अपना दर्शन दिया है, उससे मैं परम धन्य हो गया हूँ। जिस समय मृत्यु काल निकट आता है, उस समय मनुष्य को 60,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा होती है तथा वे आपका ध्यान करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय जिस व्यक्ति पर आपकी अत्यंत कृपा होती है, वही आपके चरण कमलों का ध्यान धरकर भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आपका यह स्वरूप मेरे नेत्रों में सदैव बसा रहे तथा आपके चरणों में मेरा ध्यान निरंतर लगा रहे। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत श्री भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थित कर लिया। फिर योग द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम में वास किया। उस समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की।